प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सेट नंबर 6 13/8/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछे गए क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। यदि आप भी ये चाहते हैं कि रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो, तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर एक, रीजनिंग के ना बच्चों आंसर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि राइट आंसर मैं हूँ, इसका मतलब आपको ऑप्शन काटने सीखने हैं। नंबर दो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को शॉर्ट में पढ़ना सीखना है। नंबर तीन, एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा ट्रिकी अप्रोच के साथ। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस विकल्प का चयन करें दर्पण में लंबवत आयोजित होने पर शब्द का दर्पण छवि। बच्चों दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपका आता है दर्पण प्रतिबिंब, एक आता है आपका जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, सपोज कीजिए आपका दर्पण है, कोई भी आपका वर्ड लिख रहा हो या मान लिया सपोज करो ए है, ए दर्पण में कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। सपोज करो ई है, ई जब को ई को आप दर्पण में देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। मान लिया सपोज वन है, वन ऐसा ही दिखाई देगा। एफ, एफ कैसा दिखाई देगा दर्पण में, ऐसा दिखाई देगा। क्लियर है जी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, दर्पण में क्या होता है, साइड में यहाँ पर है ना, यहाँ पर रखकर इसे पलट देना, दर्पण प्रतिबिंब आपके सामने होगा। एक विशेष पॉइंट याद रखना है, दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा जो आंसर होगा ना वो बैक साइड से लिखना स्टार्ट करना है। बात समझ में आई, दर्पण में हमेशा आंसर बैक साइड से लिखना स्टार्ट होता है। यहीं जल प्रतिबिंब की बात करें, जल प्रतिबिंब में कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, मान लिया सपोज करो जल प्रतिबिंब में आपको ए दिखाई देना, ए देखना है, ए तो जल दर्पण प्रतिबिंब में हूबरू दिखाई दे रहा है, जबकि जल प्रतिबिंब में उल्टा हो जाएगा, इमेज उल्टी हो जाती है जल प्रतिबिंब में। ई है, ई कैसे होगा बच्चों, ई आपका जल प्रतिबिंब में ऐसे होगा। मान लिया डब्लू है, डब्लू कैसा हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम जो है वो डब्लू जैसा दिखाई देगा। क्लियर है, इतना आप समझ चुके होंगे। चलो अपने ट्रिकी अप्रोच के साथ क्वेश्चनों को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है दर्पण प्रतिबिंब की बात हुई है, उल्टा हो जाएगा, एम है, एम है ना, एम, एम से ही आंसर स्टार्ट होगा, एम दर्पण में एम जैसा ही दिखाई देगा। क्लियर है जी। अब ये बताओ, ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर टू नहीं हो सकता, ठीक है जी। बचा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखते हैं आपका कैपिटल एम, कैपिटल एम से स्टार्ट है आपका क्वेश्चन। बच्चों देखो दोबारा, यहाँ पे कैपिटल नहीं है, इसमें भी स्मॉल ही है, ये स्मॉल ही है, आंसर में थोड़ा मिसप्रिंट है, एम हुआ, एम के बाद आपके सामने टी होगा। अब इसमें एम आई दे रहा है, ये भी नहीं होने का। बचा क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही तो बचा, ये तो राइट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखो चिल्ला कर बोला है ना कि राइट आंसर में हूँ, ऐसे आप प्रैक्टिस करो ना, मैं मानता हूँ थोड़ा समय लगेगा, स्टार्टिंग में एक सेट, दो सेट, चार सेट में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, जब आप ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे तब आप क्वेश्चनों को हवा में उड़ाना सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 64216 515। अब मुझे इतना पता है बच्चों 64 क्या होता है, 64 चार की क्यूब होती है, ठीक है जी, और 6 की क्यूब क्या होती है, 216 होती है, दो प्लस ऐड करके क्यूब बनाइए। अब 515 किसकी क्यूब होती है बच्चों, 8 की, 8 में दो ऐड हो जाएंगे प्लस 10 की क्यूब कितना हो जाएगा, 1000, राइट आंसर 1000, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, देखो मैं आपको बता चुका हूँ, अब एच से स्टार्ट होगा, उल्टा एच होगा, मतलब ऐसे वाले एच से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ऐसे वाले एच से स्टार्ट होगा और ऐसे वाले ही एच पर समाप्त होगा। अब देखो कौन से मारा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है क्या, जी नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है क्या, सर बी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और आपका डी क्यों नहीं हो सकता, एस सीधा लिख दिया तुमने, ये दोनों कट हो गए। अब एच के बाद ओ आएगा, एच के बाद जीरो आएगा आपका, ये ओ आएगा, वो एच के बाद ओ आएगा, फिर आपके पास एस उल्टा आएगा, देखना इनमें से कौन से पे है, दोनों पे है, फिर इसके बाद आपका ये है, ये ऐसे हो जाएगा बी टाइप में, बी तक बिल्कुल सही है। अब एक बार बताओ आप मुझे, बी के बाद आएगा ये है, ये आएगा सिंबल, फिर इसके बाद वी बी हुबरू होगा, फिर इसके बाद वी के बाद ए बी जुगतू होगा, ए के बाद फिर डी ऐसे हो जाएगा, डी एस बी, बी बन जाएगा डी का, फिर इसके बाद वाई, वाई बी ऐसे होगा आपका, फिर इसके बाद तीन उल्टा हो जाएगा, आई उल्टा हो जाएगा, मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, मैं यहाँ काउंट देखता चल रहा हूँ दोनों पर, आर, आर भी उल्टा हो जाएगा, ए उल्टा हो जाएगा, और फिर आपका एच उल्टा जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, राइट आंसर क्या होगा बच्चों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्यों होगा, ये लास्ट में जो आपका वन है ना, वन से ही मैं फाइंड आउट कर पाया हूँ उसे। क्लियर है जी, बस ये तो देखना था। क्वेश्चन नंबर फोर देखो, इसे भी आंखों आंखों में सोल्व करना सीखो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दिए गए आरेख में यू क्रम से सार्वभौमिक सेट, या आपका यू जो आपका है सार्वभौमिक सेट, या आपका सार्वभौमिक सेट, समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस मैं,
जब आप प्रैक्टिस कर लोगे डायरेक्ट आंसर निकालना सीख जाओगे। सार्वभौमिक, क्लियर है जी। इसके बाद सेट, ये सार्वभौमिक सेट और सेट एल एम एन क्रम से एम इतिहास, क्या है एल एम एन, एल आपका इतिहास है, एल आपका कहाँ है एल, एल आपका हिस्ट्री है, ठीक है जी, एम आपका ज्योग्राफी है, जी लिखा हुआ है, और आपका एन आपका भाषा है, लैंग्वेज लिखा है। तो आपको क्या बताना है, इतिहास और एक क्वेश्चन के साथ पांच छह क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसी क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन चेंज कर करके आंसर आप बताना। इतिहास और भाषा दोनों का अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है जो भूगोल का अध्ययन नहीं करते। हिस्ट्री और लैंग्वेज एच और एल में वो कॉमन होना चाहिए, एच और एल में वो कॉमन होना चाहिए। एच और एल में कॉमन कौन सा बच्चों, ये आपका लैंग्वेज है, ये आपका हिस्ट्री, कॉमन क्या है चार, राइट आंसर चार होगा आपका। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इस क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए, ऐसे छात्रों की संख्या बताओ जो तीनों तीनों सब्जेक्ट में कॉमन है या तीनों सब्जेक्ट को अध्ययन करते हैं, राइट आंसर तब होगा आपका दो। थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है, ऐसे छात्रों की संख्या बताओ जो ज्योग्राफी और भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, हिस्ट्री का नहीं कर रहे हैं, तब नो राइट आंसर होगा। ऐसे छात्रों की संख्या जो हिस्ट्री और लैंग्वेज चार हुआ, ऐसे छात्रों की संख्या जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं पाँच होगा। केवल और केवल उन छात्रों की संख्या बताओ जो सिर्फ लैंग्वेज पढ़ते हैं, अन्य नहीं पढ़ सकते, छः। कुछ भी पूछे आप समझ चुके होंगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पाँच, क्वेश्चन पाँच क्या कहता है देखना जी, यदि एक निश्चित कूट भाषा में पी ई ए आर एल को ये लिखा तो इसको ये लिखा तो पाथ को क्या लिखेंगे। अब इसने कोडिंग दे दी मेरे सामने डायरेक्ट, पी पी का मीनिंग क्या है दो, दो एक अर्थ क्या है, एक अर्थ है टी, ए का अर्थ है वन, दो वन दो और एक, टी का कोडिंग क्या दे रखी इसने, सेकंड में सेकंड लास्ट है, सेकंड में सेकंड लास्ट नो, एच की कोडिंग क्या है जीरो, 2190 राइट आंसर होगा, 2190 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कम समय में डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ पहले मैं आपको। सपोज करो आपके सामने भारत, क्वेश्चन ऐसे दिया भारत यूपी सहारनपुर, भारत यूपी सहारनपुर दिया, क्लियर है जी। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, पूरा तो ये भारत होगा, भारत के अंदर ये यूपी आएगा उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर ये सहारनपुर आएगा, एस एच आर, क्लियर है जी, बात समझ में आई। यदि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा दे दिया जाए आपसे बच्चों, क्या पूछा जाएगा, एशिया एशिया भारत चीन, एशिया भारत चीन, ये सारा एशिया होगा, भारत अलग होगा चीन अलग होगा, बात समझ में आई, क्लियर है जी। अब देखते हैं फर्नीचर कुर्सी और कपड़े में क्या संबंध होगा, कौन सा डायग्राम ठीक होगा बच्चों। फर्नीचर तो ये होगा, फर्नीचर के अंदर कुर्सी आ गई, कपड़ा आपका अलग होगा, क्लियर है जी। ऐसा डायग्राम देखो कौन सा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर। यदि इसी में इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग चलूंगा मैं, आपसे पूछा जाता कि आपसे पूछा जाता बच्चों फर्नीचर कुर्सी और मेज, ये आपका फर्नीचर होता है, ये कुर्सी हो जाती है, मेज हो जाती है, कुर्सी मेज अलग अलग है, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, उस आकृति का चयन करें जो समूह से भिन्न है। चलो देखते हैं समूह से भिन्न आकृति कौन सी है, देखना जरा। अब इसमें हमें दिखाई दे रहा है, मान लिया ये आपका ये था, इसमें जो आयत है साइड में से कटिंग है, आयत में त्रिभुज साइड में से कटिंग है, ये त्रिभुज साइड में से कटिंग है, जबकि इसमें से मिडिल में से कटिंग है, राइट आंसर सी होगा, सी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आठ, एक आदमी बिंदु ओ से शुरू करता है और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की दिशा में 20 किलोमीटर की यात्रा करता है, स्टेप बाय स्टेप प्लस का निशान लगाइएगा, डायरेक्शन का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, इतना बस स्टार्ट कर दे क्वेश्चन करना, मिडिल से चलना स्टार्ट करते हैं। एक आदमी बिंदु ओ से शुरू होता है, ये ओ है आपका, और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, ये ए पर पहुंचा, ये कितना है 20 किलोमीटर, क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। आगे चले, इसके बाद क्या कहा है, और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए वह 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ा है बच्चों आपका, ये यहाँ से दाएं मुड़ा, बाएं ऊपर होता है, दाएं नीचे होता है, कितने किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर, इसे साइड में कर लेते हैं, 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर की बी तक पहुंच गया है बच्चों। अब पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको डाउट ना हो, बी पर पहुंच गया 10 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं, फिर बी के दाएं गया 9 किलोमीटर की यात्रा की, बिंदु सी पर पहुंच गया है, यहाँ पर है फिलहाल, फिर पेन चेंज करते हैं हम थोड़ा सा जिससे बिल्कुल क्लियर समझ में आए आपके।
और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर यात्रा करते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। बच्चों सी से किधर मुड़ रहे हैं, दाएं मुड़ रहे हैं, सी से दाएं मुड़ रहे हैं, कितने किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, 5 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। दाएं बायां नीचे होगा, दाएं ऊपर होगा, 5 किलोमीटर यहां तक आ गया। बाएं मुड़ता है बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 12 मीटर की, फिर बायां, बायां किस साइड होगा, इस साइड होगा, कितने किलोमीटर जा रहा है बच्चों, 12 किलोमीटर, 12 × 9 = 21 हो, 1 किलोमीटर आगे जाएगा। अब हमें ये पता है जब 9 ये चल गया, 12 ये आ गया, जो टोटल ऊपर 20 था तो नीचे 21 थोड़ा आगे निकलेगा। क्लियर है जी, 12 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, आगे निकलते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं और बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। अब 6 किलोमीटर और जा रहा है आगे बच्चों, ऊपर की साइड दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर। अब हमें ये पता है टोटल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 था, 10 में से ये 5 ऊपर गया और 6 फिर ऊपर गया, टोटल जहाँ से चला था ना उससे 1 किलोमीटर ऊपर चला गया, 1 किलोमीटर ऊपर चला गया है। ठीक है जी, चलो अब क्या पूछा है बच्चों क्वेश्चन में, कायम 12 किलोमीटर, तो बिंदु F तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर गया, ये आपका F है, ये आपका F है, ये कितना है बच्चों यहाँ पर आपका, चलो देखते हैं अब क्वेश्चन का क्या पूछा है। तो आपको क्या बताना है बच्चों, तब आपको बताना है तो बिंदु F तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। आगे क्या पूछा है बच्चों, डायग्राम ही चला गया मेरा, चलो मेरे थोड़ा याद है यहाँ तक था, ये कंडीशन थी लास्ट में घूमकर। ठीक है, तो O और बिंदु B के बीच की दूरी, O और B, B तो हमारा ये नीचे था, तो जब इसे आप करोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, तो ये दोबारा बनाना पड़ेगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका दोबारा बना लेता हूँ, चलो डायग्राम ये कट करती ही सारा गायब हो गया। हमें पता है बच्चों B आपका यहाँ था, B से 9 किलोमीटर ऐसा था ना, ये कुछ ऐसा था डायग्राम, ये चलो डिजिट आप याद रखना, ये आपका क्या था F, ये आपका B था, तो इसने B O और B के बीच की दूरी पूछी है, O और B के बीच की दूरी ये पूछी थी, यहाँ से चला था सपोज करो। ठीक है, तब आपका ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 400 प्लस 100 बराबर 500, 500 किसका होता है, 500 किसका होगा बच्चों, 10√5 का होगा, 10√5 का होगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर क्यों किया, ये 20 थी आपकी। ठीक है जी, 10 क्यों किया, 10 ये थी, बस ये था, ये तो आगे बस एक्स्ट्रा चलाया इसने। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए कथन देखो भाई, डायरेक्ट कथन, कुछ कारें बाइक है, इसमें कॉन्सेप्ट समझ लो बच्चों पहले, जब सभी की बात आता है, सभी छात्र माले, ये है सभी छात्र, सभी छात्र कक्षा में है, ये आपकी कक्षा हो जाएगी, सभी अंदर होगा कुछ, जब कुछ की बात होगी तब ऐसा डायग्राम बनेगा। चलो देखते हैं, कुछ कारें बाइक है, ये कार हुई आपकी, कुछ कारें बाइक है, ये आपकी बाइक हुई, क्या पूछा, कुछ बाइकें बसें हैं, कुछ बाइक क्या होगी, बस होगी। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराऊंगा इसी डायग्राम के साथ, पहले इसका आंसर देखते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है, कोई बस एक कार नहीं है, कोई बस एक कार नहीं है, कोई बस है, ये बस ये है, कार है नहीं है, चलो ठीक है, कोई कार बस ही नहीं है, कोई कार बस नहीं है, जब ऐसी कंडीशन में डबल डबल दे देता है या में आंसर आता है आपका, राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, या तो निष्कर्ष ए या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, कंडीशन रिपीट कर दी ना उसने। क्वेश्चन नंबर 10, श्रृंखला में दिया हुआ के आधार पर उस शब्द का चयन करें जो निम्न समूह में भिन्न है, निम्न समूह में भिन्न है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, ये इसने श्रृंखला दी उसका चयन करना जो अलग है, चलो देखते हैं लॉजिक क्या लगाया हुआ है बच्चों। अच्छा जी देखते हैं, इसने क्या दिया, $9 स्टार्टिंग में देखते हैं, $9, फिर इसने क्या किया बच्चों, एक्स एल समूह से भिन्न है, चलो देखते हैं, X6 8L, फिर टी एफ इसमें है ना, एल जेड, अच्छा इसमें लॉजिक क्या लगाया बच्चों, X6 को छोड़कर ना बच्चों क्या हो रहा है इसमें, अन्य सभी के बीच में ना 3 अक्षर अंक और संकेत है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले शब्द से, जी में एक बढ़ाया बच्चों एच हुआ, आई में एक बढ़ाया एल हुआ, आई में एक बढ़ाया क्या होता है, आई 9 पर होता है, जी 10 पर होता है, के में एक बढ़ाया एल हुआ, एम में एक बढ़ाया एन हुआ, एक का ऐड हो रहा है पी 16 पर होता है, 17 पर क्या होता है क्यू, ठीक है जी, वी कितने पर होता है 22 पर, डब्ल्यू वी कितने पर होता है 22 पर, डब्ल्यू होता है 23 पर,
स्टार्टिंग में क्यू लास्ट में डब्ल्यू, स्टार्टिंग में क्यू लास्ट में डब्ल्यू, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू पूरा सोल्व नहीं करना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12, फिर क्वेश्चन हो गया वेनारेक का, नैपकिन और सफ़ेद वस्तु के बीच संबंध को प्रतिनिधित्व करता है, वेनारेक का चयन करें जो कागज़ नैपकिन और सफ़ेद वस्तु के बीच में संबंधित है। बच्चों नैपकिन ये हुई, नैपकिन सफ़ेद होगी, ये वाला डायग्राम हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दी गई श्रृंखला में यदि बाईं ओर से 3, 10, 15, 17 के पदों का सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना गया है तो उस सार्थक शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, ये दिया हुआ है। बच्चों अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा, बच्चों 3, 3, 10, 15, 3 पर क्या है ए, 10 पर क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ए सी, 15 पर एन, 17 पर ई। सार्थक अब है अर्थपूर्ण शब्द का तीसरा अक्षर क्या हो रहा है बच्चों, एन, राइट आंसर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, यदि वाई एक्स का भाई है, वाई है जो ये किसका भाई है, एक्स का भाई है, भाई को डब्बे में बंद करते हैं, बहन को गोलाई में रखेंगे, और वाई जेड का पुत्र है, जो वाई है ना ये जेड का पुत्र है, जेड इसका पिता है, इसका मतलब ठीक है पिता हो सके या माता हो सके, वाई जेड का पुत्र है तो एक्स जेड है पुत्र है एक्स और जेड तो का क्या है ये बताना है आपको, तो भाई ये तो पता लगी दिख रहा है एक्स जेड का पुत्र या पुत्री होगी, एक्स का पता नहीं ना लड़का लड़की, पुत्र या पुत्री है क्या ऑप्शन में, बेटा या बेटी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो। क्वेश्चन नंबर 16, उस आंकड़े का चयन करें जो निम्न समूह से भिन्न हो, उस आंकड़े का चयन करें बच्चों, इनमें आपको डायग्राम देखना है जो अलग हो। क्वेश्चन नंबर 16 का, इसमें बच्चों आकृति जो सी है ना, आकृति थर्ड है जो उत्तर आकृति से ना, इसमें आकृति बिल्कुल थर्ड ये आपका लगे थर्ड सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें चार है, इसमें बराबर बराबर चल रहा ना, इसमें टेपर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे डायग्राम को पूरा करने के लिए पेन अलग लेंगे जिससे कि आपके समझ में आ जाए, पहले ये वाली लाइन बढ़ाएंगे, ये वाली लाइन बढ़ाई, फिर ठीक है जी, फिर ये वाली त्रिभुज पूरा करेंगे, ये वाला डायग्राम थोड़ा सा देख लो कौन सी, मैं बस वही यही का ही सोल्व कर दूंगा मैं क्वेश्चन, ये वाला है क्या कुछ, पहला तो है नहीं, तीसरा भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करना सीखे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर क्या होगा, एक मिनट को, 16 का ये नहीं होनेगा,